हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। तो स्वागत है दिल से फिर से आपका गाइस हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस आज हम आए हैं सुहास उद्यान घूमने के लिए, जो कि ये हमारे अजमेर में स्थित है। तो चलते हैं गाइस अंदर, देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या है देखने लायक यहाँ चीज़ें। तो पहले हमारे लिए टिकट लेना पड़ेगा गाइस यहाँ से बाहर से, तो टिकट अपने को वहाँ से मिलेगा गाइस। तो चलते टिकट लेने के लिए, तो टिकट ले लेते हैं फिर अंदर चलते गाइस। साथ में मेरे मोनू है और साहिल भी है गाइस फिर से, देखने वाले कि आज हम यहाँ क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। हम पहले टिकट लेते गाइस। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, चलते हैं अंदर। गाइस हम पहले अंदर पहुंच चुके हैं और गोलाघाट के अंदर हैं हम अभी। और साहिल है जो मस्ती में लगा हुआ है अपनी में, अभी साहिल मस्ती कर रहा है यहाँ पे गाइस, खेल कूद कर रहा है बंदरों की तरह। और मोनू भी आया है, तो मोनू भैया के लिए आज कुछ खबरी है अंदर आते ही कि उनके जो साले साहब है उनकी लड़की हुई है गाइस। तो मोनू जी अपने साले साहब जी को बधाई देने में लगे हुए हैं व्हाट्सअप पे, बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बधाई बधाई दे लूँ उनको, उसके बाद में थोड़ा सा शूट वगैरह करेंगे। और साहिल भाई है जो हमारे बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो देख रहे हो गाइस पीछे का जो नज़ारा है चारों तरफ का, अभी उसको अपडेट किया है गाइस कुछ ही सालों के अंदर। पहले भी ठीक ही था लेकिन अभी थोड़ा सा और, जैसे कि आपको बताया कि अजमेर सिटी जो है स्मार्ट सिटी के तहत आने वाला है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी चल रहा है स्मार्ट सिटी का, उसके तहत जो भी यहाँ पे ये है पार्क वगैरह है और चौपाटीज़ है, जो भी अदर पब्लिक प्लेस है यहाँ पर घूमने लायक है टूरिस्ट जो है, तो उनको क्या गाइस रिपेयर किया जा रहा है, उनको मॉडिफाई किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के तहत। और यहाँ पे हमारे पीछे जो आप देख सकते हो माँ के लिए माँ कालेश्वर जी का मंदिर है, महादेव जी का, थोड़ा सा वहाँ पे भी चल के आएंगे, उनके दर्शन वर्शन करके आएंगे। गाइस बने रहिएगा वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा हम भी घूम लेते, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेते गाइस। चल रहा है और काफ़ी बड़ा पार्क है, और आप यहाँ आना चाहो तो ये हमारे अजमेर के बीचों बीच स्थित है। और जो बागचंदी की कोठी है अजमेर के अंदर उसके जस्ट पास में है, काफ़ी बड़ा इसको अपडेट कर दिया गया है गाइस, और काफ़ी सुंदर सा है बनाया हुआ पार्क हमारा। और यहाँ की पब्लिक है जो आसपास के एरिया में रहती है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के हिसाब से यहाँ पर आती भी है, और बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं गाइस घूमने के लिए, क्योंकि इसके जस्ट थोड़ा सा दूर चल के ही जो है दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है और पुष्कर है। तो वैसे उस हिसाब से क्या बाहर की पब्लिक बहुत आती है यहाँ घूमने के लिए, और लोकल भी पब्लिक है ये जो घूमने के लिए, तो उनका आना है आना जाना रहता ही लगा रहता है यहाँ पर। आप देख ही रहे हो पार्क तो सुंदर सा प्यारा सा है, काफ़ी अपडेट साहिल और मुनिजा को देखोगे वो के लोग पार्क के अंदर घूमने चारों तरफ के नज़ारा ले रहे हैं कैसा पार्क गाइस, और मैं भी आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसा पार्क।
फ्रेंड्स आज मुनुगिया को मस्ती छाई हुई है, खूब मस्ती कर रहे हैं आज। साहिल भी देख सकते हो आप आगे, साहिल भी भागे जा रहे हैं, बोले यार मेरे को नहीं निकलना, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि साहिल अभी क्या बोर होने लग गया। एक्चुअली साहिल को क्या, जो वहाँ साइड के अंदर गाइस आगे झूले लगे हुए हैं वहाँ जाना है, तो बोल रहे हैं कि वहाँ चलते हैं। हमने बोल रखा है कि थोड़ा सा घूमने से यहीं आसपास का थोड़ा सा यहाँ पे बहुत मौज आ रही है, तो हम थोड़ा सा यहीं इन्जॉयमेंट कर रहे हैं गाइस। तो उसके बाद हम साहिल को भी लेके जाएंगे उधर आगे। तो अभी हम गाइस बिल्कुल बारादरी के पास में, जो हमारे पीछे का सीन देखोगे आप पीछे की तरफ गाइस वहाँ पे वो बारादरी है। और अभी पानी लेके आ रही है, यहाँ गजबन पानी लेके आ रही है, गजबन है, गाना सुना है, ओ गजबन पानी ले चाली। तो ये गाइस पहले रास्ता था बारादरी जाने के लिए, अभी उसको बंद कर रखा है फिलहाल। और आपका ये जो आसपास का एरिया है ये पूरा बंद कर रखा है, और इसके पीछे की तरफ मेन रोड है, और मेन रोड के ऊपर की तरफ आप गाइस उस तरफ देखोगे तो बागचंदी की कोठी है। ये हम एक कोने के अंदर खड़े हैं अभी, और वहाँ तक गाइस पूरा एरिया इसका पार्क का है, पूरा दौलतबाग का है पूरा एरिया। फ्रेंड्स साहिल को देखो कितनी जल्दी लगी हुई है, क्योंकि उनको झूले खाने हैं, तो झूलों के चक्कर में भाई साहब स्पीड में हमारे को छोड़ के निकल गया, और बोल रहा है भाई मेरे तो क्या झूला आ गया पास में, तो झूले खाने के लिए जा रहा हूँ। उसके क्या उम्र के छोटे बच्चे भी उसको दिख गए, तो उसको सीधा दौड़ता हुआ जा रहा है। उन भी आए जो हमारे अभी तक भी उनके जो साले साहब हैं उनको विशेष देने में लगे हुए हैं, उसमें व्यस्त है। एक चीज से बात कर लेते हैं, हाँ उन भी अरे कहाँ बिजी हो यार, कब से देख रहा हूँ मोबाइल के अंदर घुसा है, तो भैया बोरिंग लग रहा है क्या आपको, कोई जवाब नहीं देगा अभी भी, अभी मोबाइल में घुसा हुआ है, अभी सिर्फ मोबाइल ही चला रहे और कुछ नहीं। और साहिल को देखेंगे, साहिल तो अपने दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा कहीं, पता नहीं कहाँ गया भाई, उसको तो अलग ही जोश पता नहीं क्या है आज, अलग ही अपनी उसमें मस्ती में घूम वो है वो तो। जब तक वो झूले वूले खाते हैं हम थोड़ा सा और इंजॉयमेंट कर लेते हैं, का जो टूर था वो यहाँ पे खत्म होता है। और गाइस कैसा लगा हमारा आपको ये पार्क,
और अच्छा लगा होगा इसको वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हम हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइस मोनू भैया का कहना है कि जो हमारा चैनल है मिस्टर बढ़ना आरजी जी ने उसको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार गाइस यार वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।